नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है स्पेलिंग एरर देखेंगे और देखेंगे कि स्पेलिंग एरर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और इसमें से निश्चित ही आप जान लीजिए कि चाहे जिस शिफ्ट का पेपर हो, एक क्वेश्चन इसमें से आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपना पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, पहला लिखा हुआ है बिलीव। जी हाँ दोस्तों, पहला है बिलीव। अब बिलीव में इसमें आपको सही स्पेलिंग बताना है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी। तो बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, देख रहे होंगे आप। तो इसका जो सही हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा, सी वाला हमारा सही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। साइमल्टेनियस, जी हाँ दोस्तों, साइमल्टेनियस में इसमें आप देखिए यस आई यम यू यल टी ए एन ई यू यस, जी हाँ दोस्तों, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें भी सही हो जाएगा। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक के बाद एक। आगे देखते हैं बैलून, जी हाँ दोस्तों, बैलून आप लोग खेलते भी होंगे, बैलून का मतलब गुब्बारा। बी ए बैलून में दोस्तों डबल एल डबल ओ ओ ओ बैलून, तो बैलून का मतलब बी ए डबल एल डबल ओ एन। वहीं अगर चौथे वर्ड की बात करें टेरिटरी, जी हाँ दोस्तों, टेरिटरी मतलब सीमा होता है, बिल्कुल सही। इसका जवाब दीजिए आप लोग, देखिए टी ई डबल आर आई, जी हाँ दोस्तों, ये वाला होगा टेरिटरी। जी हाँ दोस्तों, टी ए डबल आर आई टी ओ आर वाई टेरिटरी, टेरिटरी मतलब होता है सीमा। वहीं अगर पांचवे की बात करें जी हाँ दोस्तों, डिटर्मिनेशन, जी हाँ बिल्कुल सही, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन का देखिए दोस्तों डी ई टी ई आर एम आई टी ए टी आई ओ एन कहाँ है देखिए दोस्तों, डिटर्मिनेशन, जी हाँ दोस्तों ये दिख रहा होगा, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, ये देखिए डी ई टी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ एन डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वहीं अगर छठवां देखिए दोस्तों प्रिविलेज, जी हाँ दोस्तों प्रिविलेज बताइए आप लोग क्या होगा। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है दोस्तों अधिकार, जी हाँ दोस्तों प्रिविलेज का मतलब होता है अधिकार। अब आप लोग बताइए कि इसमें सही क्या होगा। पी आर आई वी आई एल ई जी ई, ये होगा दोस्तों ए ऑप्शन प्रिविलेज, पी आर आई वी आई एल ई जी ई प्रिविलेज। आगे देखिए सातवां कमिटी, जी हाँ बहुत बहुत पूछा जाता है कमिटी। तो कमिटी में दोस्तों डबल एम डबल टी डबल ई होता है, यानी कि सी ओ डबल एम डबल टी, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कमिटी। कमिटी मतलब होता है दोस्तों कोई समूह, जो संस्था होती है उसे कमिटी कहते हैं। आगे ओमिट, जी हाँ दोस्तों ओमिटेड, जी हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओमिटेड का मतलब होता है दोस्तों मिटाना, ओमिटेड का मतलब होता है मिटाना, ओ एम आई टी टी ई डी कहाँ है देखिए दोस्तों, ओ एम आई टी टी ई डी, ये है देखिए ऑप्शन नंबर ए ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है दोस्तों मिटाना। वहीं आगे देखिए नौवां गारंटी, जी हाँ दोस्तों बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, और गारंटी का आप लोग बताइए, देखता हूँ क्या होगा गारंटी का, आप लोग बताइए जी कहाँ है देखिए जी यू ए पहला ये ऑप्शन है दोस्तों गारंटी, देखिए जी यू ए आर ए एन टी डबल ई गारंटी। वहीं अगर दसवें वर्ड की बात करें डिलीवरी, जी हाँ दोस्तों डी ई एल डिलीवरी, ये देखिए दोस्तों डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखिए दोस्तों डिलीवरी डी ई एल आई वी ई आर वाई डिलीवरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। वहीं ग्यारहवां देखिए दोस्तों मिसाइल, जी हाँ दोस्तों आप सबको मिसाइल दागना है, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, आप सबको मिसाइल दागना है कि नहीं दोस्तों, मिसाइल यम आई इसमें एक यस हो, ये देखिए मिसाइल ये है डी ऑप्शन यम आई डबल एस आई एल ई, जी हाँ दोस्तों यम आई डबल एस आई एल ई मिसाइल, मिसाइल का मतलब मिसाइल, मिसाइल दागना ही है सबको दोस्तों। आगे देखिए मैरिज, जी हाँ दोस्तों मैरिज, अब देखिए मैरिज बार बार बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें दोस्तों, मैरिज एम ए डबल आर आई ए जी ई मैरिज, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वही देखिए दोस्तों सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों सर्टिफिकेट सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी ई, जी हाँ दोस्तों ये है देखिए ए ऑप्शन सर्टिफिकेट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर चौदहवीं की बात करें दोस्तों मिस्चीवियस, जी हाँ दोस्तों मिस्चीवियस, देखिए इसमें होता क्या है मिस्चीवस, मिस्चीवस पढ़ा जाता है, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती दोस्तों। अब मिस्चीवियस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों सॉरी मिस्चीवियस का मतलब मिस्चीवस पढ़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मिस्चीवस,
जी हाँ दोस्तों, तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसीलिए जो है बोर्ड पर नहीं आया, नहीं तो मैं बोर्ड पर पढ़ाता। लेकिन शीघ्र ही आपकी 10 तारीख से क्लास चलनी है, आप लोग जानते भी होंगे दोस्तों। तो सॉरी, आगे देखिए ह्यूमरस। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमरस। अब ह्यूमरस का पहले तो आप ह्यूमर की स्पेलिंग जानिए, HUMOR, ह्यूमर हो गया और इसी में OUS जुड़ गया तो ह्यूमरस हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर हम अगले वर्ड की बात करें, जी हाँ दोस्तों, परज्यूरी। जी हाँ दोस्तों, PAR गलत है, PER होगा दोस्तों, परज्यूरी। एक मिनट रुक जाइएगा, PER कहाँ देखिए इसमें है। अच्छा, ज्यूरी की स्पेलिंग इसमें गलत है, ये डी ऑप्शन आपका सही है, परज्यूरी। PERJURY, परज्यूरी। वहीं अगर आगे देखिए 17वें पे, जी हाँ दोस्तों, सैक्रीन। सैक्रीन देखिए दोस्तों, चीनी, शुगर जैसे होता है उसी तरह चीनी का ही एक ये रूप है सैक्रीन दोस्तों। तो सैक्रीन में SACC ये है दोस्तों, बी ऑप्शन, SACHARINE, सैक्रीन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18वां देखिए, रेदम। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार पूछा जाने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, रेदम, RHYTHEM, रिदम, RHYTHEM, रिदम, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें एक वाई होगा और THEM होगा। आगे देखिए दोस्तों, याच। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है याच। देखिए याच, तो याच का मतलब होता है दोस्तों रेसिंग बोट, जो आप देखते होंगे ओलंपिक, ओलंपिक में सॉरी दोस्तों, ओलंपिक में दोस्तों याच, YACHT। जी हाँ दोस्तों, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। याच का मतलब होता है दोस्तों रेसिंग रेसिंग बोट जो होती है उसी को कहते हैं। आगे सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, बार बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें जरूर गलत करते हैं दोस्तों। सैटेलाइट, SATELITE होता है दोस्तों सैटेलाइट। तो ये है डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 21वां देखिए, सोवनीर। जी हाँ दोस्तों, सोवनीर, सोवनीर का मतलब होता है दोस्तों, देखिए बहुत बार पूछा, यादगार पल, कोई जैसे कोई ऐसा गिफ्ट हो दोस्तों, यादगार गिफ्ट जिसको बोलते हैं कि जो यादगार के रूप में दिया जाए, उसे सोवनीर कहते हैं दोस्तों। तो देखिए SOUVENIOR, जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एकदम सही है, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सोवनीर, SUVENIOR। आगे देखिए कलीग, कलीग मतलब होता है दोस्तों सहकर्मी, साथी जो होते हैं उन्हीं को कलीग कहते हैं, कलीग, कलीग का मतलब होता है दोस्तों सहकर्मी। अब देखिए CO, देखिए कलीग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, COELL कहाँ है, COELLEAGUE, जी हाँ दोस्तों बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, कलीग मतलब होता है दोस्तों सहकर्मी। वहीं अगर हम आगे चलें, देखिए करेजियस। जी हाँ दोस्तों, COURAGE, जी हाँ दोस्तों, करेज, करेज का मतलब होता है साहस और उसी में OUS लगा देना है, तो ए ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, COURAGE OUS, जी हाँ दोस्तों करेजियस, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे देखें ट्रूली, जी हाँ दोस्तों, अच्छा चलिए, दो ऑप्शन इसको आप कर लीजिए, TRUELY, ट्रूली। आप लोग बताइए, कमेंट करिए दोस्तों, बताइए क्या सही होगा ट्रूली में, इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, पहला ट्रूली, ये वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे TRUELY, ट्रूली ये सोचेंगे, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, ट्रूली का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कमेंट करिए, आप देखिए कितना कर पाते हैं दोस्तों। जैसे चलिए, अच्छा एक आप करिए, इसको बताइए, इसको बताइए पैराशूट। जी हाँ दोस्तों, पैराशूट का आप बताइए क्या होगा। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग कमेंट करिए और बताइए पैराशूट का क्या हो जाएगा। PARA, जी हाँ दोस्तों, पैराशूट, CHUTE होगा, पैराशूट का ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। पैराशूट में आप कभी SHOOT मत लगाइएगा, सूट मतलब सूट करना दोस्तों, गोली मारना, तो सूट तो करेंगे नहीं दोस्तों, तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पैराशूट। वहीं अगर देखिए ओकेजन, जी हाँ दोस्तों, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ओकेजन बार बार पूछा जाता है, तो OCCA, आप देखिए
इसमें देखिए ओकेजन में होता क्या है दोस्तों, एक यस रहेगा, ओ डबल सी ए यस, आई कहाँ है देखिए, ओ ये ए ऑप्शन ही है दोस्तों, ए ऑप्शन ही है, बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। आगे देखिए दोस्तों मैटरनिटी, जी हाँ दोस्तों मैटरनिटी, तो देखिए यम ए टी ई आर मैटर, तो कहाँ है देखिए यम ए टी ई आर, यम ए टी ई आर एन आई टी वाई, मैटरनिटी, डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। वही देखिए दोस्तों इमैकुलेट, जी हाँ दोस्तों इमैकुलेट बार बार पूछा जाता है इमैकुलेट भी दोस्तों, तो इसमें डबल यम होता है, आई डबल यम ए सी यू एल ए टी ई, जी हाँ दोस्तों ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, इमैकुलेट इमैकुलेट। चलिए इसको बताइए दोस्तों आप लोग, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ऑक्सिलरी की सही मीनिंग क्या होगी। मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट करते हैं दोस्तों, मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि ऑक्सिलरी की सही मीनिंग क्या होगी। देखते हैं आगे, जी हाँ दोस्तों गैरुलस, जी हाँ दोस्तों गैरुलस, गैरुलस का मतलब क्या होता है दोस्तों, गैरुलस का अगर आप अर्थ देखें तो गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जी हाँ दोस्तों जो ज़्यादा बातें करता हो, गैरुलस का मतलब होता है दोस्तों बातूनी। अब देखिए जी ए डबल आर होता है, तो देखिए जी ए डबल आर कहाँ है, ये एक इसमें है दोस्तों एक इसमें है, डबल आर सिंगल एल होता है, तो गैरुलस जी ए डबल आर यू एल ओ यू एस गैरुलस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। वहीं आगे चलिए कमिश्नर, जी हाँ दोस्तों बार बार पूछा जाता है सी ओ डबल एम डबल एस आई, ये होगा दोस्तों कमिश्नर, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन ई आर कमिश्नर। वहीं देखिए दोस्तों सुपरिटेंडेंट, जी हाँ दोस्तों देखिए अब इसको तोड़ तोड़ कर आप, सुपर तो यस यू पी ई आर सुपर, इन आई एन इन, टेंडेंट टी ई एन टेन और डी ई एन टी डेंट, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा सुपर सुपरिटेंडेंट। वहीं देखिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम देखिए दोस्तों आप लोग केमिस्ट्री में प्रयोगशाला जब करते होंगे तो रिएक्शन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा ई क्यू यू आई एल आई बी आर आई यू एम, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वहीं आगे देखिए बेनिफिशियल, जी हाँ दोस्तों बहुत बार पूछा जाने वाला शब्द है बेनिफिशियल, तो बेने बेने देखिए बी ई एन ई बेनेफिशियल एफ आई सी आई ए एल एफ आई सी आई ए एल, तो कहाँ देखिए बेनेफिशियल, ये है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों आगे अपेरल, जी हाँ दोस्तों बार बार अपेरल मतलब होता है दोस्तों कपड़े, कपड़े अपेरल मतलब कपड़े होता है दोस्तों, ए डबल पी ए कहाँ है, ये है ए डबल पी ए आर ई एल, अपेरल मतलब होता है दोस्तों कपड़े, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे होलोकॉस्ट, जी हाँ दोस्तों होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट देखिए दोस्तों होलोकॉस्ट का मतलब होता है तबाही मचाना, डिस्ट्रक्शन, जी हाँ दोस्तों होलोकॉस्ट मतलब तबाही मचाना, तो एच ओ एल ओ कहाँ है देखिए एच ओ एल ओ सी ए कहाँ है, एच ओ एल ओ सी ए ये है दोस्तों, एच ओ एल ओ सी ए यू एस टी होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों तबाही मचाना, डी ऑप्शन ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वही देखिए दोस्तों ट्रैंक्विलिटी, जी हाँ दोस्तों ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है दोस्तों शांति, जी हाँ दोस्तों ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है दोस्तों शांति, और इसका अगर सेरेनिटी, इसके अगर सिनोनिम की बात करें दोस्तों तो इसके सिनोनिम हो जाएगा सेरेनिटी हो जाएगा, तो देखिए टी आर ए एन क्यू, टी आर ए एन क्यू यू एल आई टी वाई, जी हाँ दोस्तों ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है दोस्तों शांति। वही चौफर, जी हाँ दोस्तों चौफर मतलब होता है दोस्तों दूसरों की गाड़ी चलाने वाला, सी एच ए यू डबल एफ ई यू आर चौफर, चौफर मतलब होता है दोस्तों दूसरों की गाड़ी चलाने वाला। वही देखिए एसिनेट, एसिनेट मतलब होता है दोस्तों नेताओं की हत्या, जी हाँ देखिए एस माने गधा, फिर एस माने गधा, आई मतलब मैं, नेट, तो एसिनेट मतलब गधा होता है, मतलब गधा नहीं दोस्तों नेता की हत्या होता है, तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों एम्बेरस, जी हाँ दोस्तों बहुत बार पूछा होने वाला, शर्मिंदा होना होता है, एम्बेरस मतलब होता है दोस्तों शर्मिंदा होना, जी हाँ दोस्तों एम्बेरस मतलब होता है दोस्तों शर्मिंदा होना, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस, जी हाँ दोस्तों
बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब होता है दोस्तों शर्मिंदा होना। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वर्ड, याद रखिएगा 10 नवंबर से जो आपकी बैच चलेगी आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर जरूर करवा लीजिएगा दोस्तों, 10 नवंबर से आपकी नई बैच स्टार्ट होगी। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।